दोस्तों, आज हम जो है गोवर्धन यात्रा पर आए हुए हैं, तो आपको जो है गोवर्धन यात्रा पर लेके चलते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा जो बहुत प्राचीन समय से होती आ रही है। दोस्तों, गोवर्धन को गिरिराज महाराज जी कहा जाता है। आप जो है मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं वो दानघाटी है। दानघाटी से ही जो है गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट होती है। वैसे तो आप जहाँ से परिक्रमा चाहे वहाँ शुरू कर सकते हैं और उसका अंत वहीं पर होगा दोस्तों, लेकिन मुख्य परिक्रमा जो है शुरुआत होती है वो दानघाटी मंदिर से ही होती है। तो हम आपको जो है सबसे पहले दानघाटी मंदिर में दर्शन कराएंगे, उसके बाद आपको जो है गोवर्धन यात्रा की परिक्रमा पर लेके चलेंगे। और उससे पहले यहाँ किसी यात्री से पता करते हैं दोस्तों, यहाँ गोवर्धन महाराज पर जब वो आते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। चलिए किसी यात्री से। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? राम कुमार। अच्छा, आप जो है गोवर्धन पर जो है कब से आ रहे हैं? गोवर्धन महाराज के परिक्रमा मैं 90 से कर रहा हूँ। थोड़े दिन के लिए छूट गया था, लेकिन मैं हर महीने आने आता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप वैसे भाई साहब कहाँ के निवासी हैं, कहाँ से आते हैं आप? मैं बरेली मणिनाथ का निवासी हूँ। अच्छा, मैं हर महीने परिक्रमा लगाने। तो दोस्तों, आपने देखा ये राम कुमार रामू जी हैं, बरेली के निवासी। ये हर महीने जो है यहाँ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने आते हैं। अब हम जो है आपको वो दिखा रहे हैं जहाँ से परिक्रमा की शुरुआत होती है। दोस्तों, गोवर्धन की परिक्रमा जो है दो हिस्सों में बटी है, एक बड़ी परिक्रमा और एक छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा जो है लगभग 12 किलोमीटर की है, छोटी परिक्रमा जो है लगभग 9 किलोमीटर की है। यहीं से जो है बड़ी परिक्रमा आरंभ होती है दोस्तों। और बड़ी परिक्रमा जो है 12 किलोमीटर की है, जिसे आप जो है चाहे रिक्शे से भी कर सकते हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, आप पैदल भी कर सकते हैं, और जो है आप चाहे नंगे पैर करें, जूते पहन करें, स्वच्छता से भी कर सकते हैं। बड़ी परिक्रमा के बाद जो है छोटी परिक्रमा आती है, जो है इसी स्थान से दानघाटी से ही बड़ी परिक्रमा का जो है आरम्भ होता है। फ्रेंड्स, जो है गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में हम 6 किलोमीटर चल चुके हैं। अब आ चुके हैं पूछरी का लोटा। यहाँ पर पूछरी लोटे पे श्रीनाथ जी का जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। अब हम आपको पहले मंदिर के दर्शन कराते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। राधे राधे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूछरी का लोटा पड़ता है, ये राजस्थान की सीमा में आता है। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा में राजस्थान का बॉर्डर भी पड़ता है, इसलिए ये परिक्रमा जो है दो राज्यों से होती है, एक यूपी और एक राजस्थान। इसमें पूछरी का लोटा जो मंदिर पड़ता है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। अब हमारी परिक्रमा यहाँ से आगे आरम्भ होती है दोस्तों। फ्रेंड, यहाँ पर मुखारबिंद पे जो है जलेबी का भोग लगाया जाता है। जाकर हम मुखारबिंद मंदिर पर आ चुके हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। Thank you.
मुखारविंद के दर्शन करने के बाद अब हमारी जो है यात्रा आगे बढ़ती है। यहाँ से बड़ी परिक्रमा जो है लगभग 3.5 किलोमीटर शेष रह गया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और जो है अपनी गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा को पूरा करने के बाद फिर हम छोटी परिक्रमा जो है आरंभ करेंगे। चलिए दोस्तों, राधे राधे। फ्रेंड्स, हमारी जो है पहली बड़ी परिक्रमा जो है यहाँ पूरी हो जाती है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। यहाँ पर जब बड़ी परिक्रमा पूरी करते हैं लोग तो फिर से दंडवत जो है प्रणाम करते हैं गोवर्धन महाराज को। उसके बाद ही जो है दूसरी परिक्रमा जो है प्रारंभ होती है। बोलो श्री राधे 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 राधे।